The frequency of hedge cutting should be hedge cutting, kya honi once in a month, once in two months, once in three months, or once in every fourth night. And the right answer is once in two months. If the employee is terminated or removed for the employment by the employer, the wage of that employee should be paid within how many days from the day on which he was removed or terminated? यदि किसी कर्मचारी को नियुक्ता द्वारा सेवा से बर्खास्त या हटा दिया जाता है तो उस कर्मचारी को वेतन का भुगतान उस दिन से कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए जिस दिन से उसे हटाया गया है या बर्खास्त किया गया है सात दिन पंद्रह दिन तीस दिन या दो दिन और सही जवाब है दो दिन हाउ मेनी आवर्स ऑफ रेस्ट इज परमिसेबिंग स्टाफ फॉर लेस देन फाइव आवर्स ड्यूटी आउट ऑफ क्वार्टर मुख्यालय से बाहर पांच घंटे से कम ड्यूटी करने वाले रनिंग स्टाफ को कितने घंटे का आराम दिया जाता है वर्किंग राइट आंसर इज वर्किंग ऑफ पिट्स एंड टैंक्स फॉर पीसी कल्चर कैन बी डन फॉर अ पीरियड ऑफ मछली पालन के लिए बोरो गड्ढों और टैंकों का लाइसेंस कितने समय के लिए दिया जा सकता है एक से पांच वर्ष दो से पांच वर्ष तीन से पांच वर्ष या चार से पांच वर्ष और सही जवाब है एक से पांच वर्ष द प्रजेंट वेज सीलिंग पर मंथ फॉर द द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट नाइनटीन थर्टी सिक्स मजदूरी अधिनियम उन्नीस सौ छत्तीस के भुगतान के प्रयोजन के लिए वर्तमान वेतन या सीलिंग प्रति माह कितनी है और इसका जवाब है अठारह हजार रुपए under the payment of wages act 1936 the maximum limit on deduction should not ordinarily cross वेतन अधिनियम 1936 के तहत कटौतियों की अधिकतम सीमा को आम तौर पर कितने से अधिक पार नहीं करना चाहिए 50% जनरली एंड 60% इन केस ऑफ पेमेंट ड्यू टू कोऑपरेटिव्स या 60% जनरली एंड 70% इन द केस ऑफ पेमेंट ड्यू टू कोऑपरेटिव्स और 50% जनरली एंड 75% इन द केस ऑफ पेमेंट ड्यू टू कॉपरेटिव और फोर्टी परसेंट जनरली एंड सेवेंटी फाइव परसेंट इन केस ऑफ पेमेंट ड्यू टू कॉपरेटिव एंड सेवेंटी फाइव पेमेंट डू टू कॉपरेटिव द कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इंप्रूव्स कंक्रीट के संगठन में किस चीज में सुधार होता है डेंसिटी में स्ट्रेंथ में ड्यूरेबिलिटी में या इन सभी में तो इसका जवाब है इन सभी में यानी डेंसिटी में भी होता है स्ट्रेंथ में भी होता है और डी में भी होता है बेंटोनाइट इज इन द पाइल ड्राइविंग पाइल ड्राइविंग में बेंटोनाइट का उपयोग किया जाता है इसका उद्देश्य क्या है टू फैसिलिटेट पाइल ड्राइविंग टू इनेबल प्रॉपर पाइल कॉन्क्रीटिंग टू स्टेबलाइज द बोर होल वॉल्स टू लूज इन दॉल एंड द राइट आंसर इज टू स्टेबलाइज द बोर होल वॉल्स रेलवे शुड इंक्लूड कॉन्टीजेंसी चार्जेस हाउ मच परसेंटेज इन ऑल द रेल इंक्विजमेंट एस्टिमेटेड टू कवर इंसिडेंटल चार्जेस इन कर ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान होने वाले आकस्मिक शुल्क को कवर करने के लिए रेलवे को सभी त्याग अनुमानों में आकस्मिक शामिल करना चाहिए एक प्रतिशत दो प्रतिशत तीन प्रतिशत या चार प्रतिशत और सही उत्तर है तीन प्रतिशत फॉर रेलवे लैंड लाइसेंस्ड या लीज्ड टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द रेंट शुड बी उ मच परसेंट ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एज अड बाई द लोकल रेवेन्यू अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ लाइसेंसिंग अन्य सरकारी विभागों को लाइसेंस प्राप्त या पट्टे पर दी गई रेलवे भूमि के लिए किराया भूमि का बाजार मूल्य का कितना प्रतिशत होना चाहिए जैसा कि लाइसेंसिंग या पट्टे के समय स्थानीय राजस्व अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो फाइव परसेंट ऑफ द मार्केट वैल्यू सिक्स परसेंट ऑफ द मार्केट वैल्यू सेवन परसेंट ऑफ द मार्केट वैल्यू और एट परसेंट ऑफ द मार्केट वैल्यू and the right answer is 6% of the market value multiple drawing seats marked with the same number should be indicated by means of sequences seat number on the total number of the seat in the manner where n equals to number of seat and p equals to total number of seat and the right option is small n upon small p does mean ki seat ki sankhya bata seat ki kul sankhya रेलवे ब्रिजेज हैविंग टोटल लीनियर वाटर वेज ऑफ 18 मीटर और मोर इज कॉल्ड 18 मीटर या उससे अधिक के कुल रैखिक जलमार्ग वाले रेलवे पुलों को क्या कहा जाता है मेजर ब्रिज माइनर ब्रिज इंपॉर्टेंट ब्रिज या मेजर और माइनर दोनों में से कोई भी और इसका जवाब है मेजर ब्रिज इन विसिनिटी ऑफ रेलवे लाइन ब्लास्टिंग ऑपरेशन विद इन हाउ मच मीटर्स ऑफ ए रनिंग लाइन शुड नॉर्मली बी कैरिड आउट अंडर ब्रॉक प्रोटेक्शन रेलवे लाइन के आसपास रनिंग लाइन के कितने मीटर के भीतर ब्लास्टिंग ऑपरेशन सामान्य रूप से ब्लॉक सुरक्षा के तहत किया जाना चाहिए 25 मीटर 45 मीटर 50 मीटर या 100 मीटर और सही जवाब है 100 मीटर ट्रैक्स विद इन हाउ मच मीटर ऑफ द रॉक्स टू बी ब्लास्टेड शुड बी प्रोटेक्टेड बाई कवरिंग विद ओल्ड स्लीपर विच शुड बी रिमूव आफ्टर द ब्लास्टिंग इज ओवर एंड बिफोर रिमूवल ऑफ द ब्लॉक विस्फोटित की जाने वाली चट्टान के कितने मीटर के भीतर के ट्रैक को पुराने स्लीपरों से ढककर संरक्षित किया जाना चाहिए जिन्हें विस्फोट समाप्त होने के बाद और ब्लॉक हटाने के पूर्व हटा दिया जाना चाहिए 20 मीटर 40 मीटर 60 मीटर या 80 मीटर और इसका सही जवाब है 60 मीटर एज पर आई आर डब्ल्यू एम हाइट ऑफ बुकिंग काउंटर एवं फ्लोर लेवल आई आर डब्ल्यू एम के अनुसार फर्श स्तर से के ऊपर बुकिंग काउंटर की ऊंचाई कितने मीटर की होनी चाहिए एक दशमलव दो मीटर एक मीटर एक दशमलव पांच मीटर या दो मीटर एंड द राइट आंसर इज एक मीटर डायनामाइट एंड अदर सिमिलर एक्सप्लोजिव नॉट मोर देन हाउ मच के जी ऑफ द एक्सप्लोजिव शुड बी डिस्ट्रॉयड एट अ टाइम डायनामाइट और अन्य सामान्य विस्फोटक एक समय में कितने केजी से अधिक विस्फोटक को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए ढाई केजी, जी पांच के

सही जवाब है वो है टेम्पलेट के सहयोग से सर्विस बुक फॉर ग्रुप डी स्टाफ शुड बी द द डैश ऑन फॉर्म समूह डी कर्मचारियों जो कि अब समूह डी समाप्त हो चुके हैं इन्हें सी में सम्मिलित कर दिया गया है के लिए सेवा पुस्तकें निर्धारित प्रपत्र पर किसके द्वारा तैयार की जानी चाहिए अभी समूह डी से तत्पर है 1800 सौ ग्रेड पे वाले यानी लेवल वन ग्रेड पे वाले तो इनकी सेवा पंजियों को वक्स के अगर संबंध में देखा जाए तो इसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क्स के द्वारा बनाया जाता है फुल फॉर्म ऑफ एनबीसी इज एनबीसी का फुल फॉर्म क्या है नेशनल बिल्डिंग कमेटी नेशनल बिल्डिंग कोड नेशनल बिल्डिंग कॉर्प या नेशनल बोर्ड सर्टिफिकेशन एंड द राइट आंसर इज नेशनल बिल्डिंग कोड रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज एसेंशियल एरियाज हाउस होल्ड कंजप्शन फॉर ऑफिसर एंड स्टाफ पर हेड आवासीय क्षेत्र में पानी की आवश्यकता अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रति व्यक्ति जो खपत है वो कितने लीटर की है हंड्रेड लीटर पर पर्सन पर डे वन एटी लीटर पर पर्सन पर डे टू हंड्रेड लीटर पर पर्सन पर डे पर 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 या टू हंड्रेड ट्वेंटी लीटर्स पर पर्सन पर डे कोड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर अर्थक्विक रेजिस्टेंस डिजाइन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज भवन निर्माण में भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन के लिए जो संरचनाओं का कोड है वो निम्न में से कौन सा कोड है आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड आई एस एट वन सिक्स वन नाइन सिक्स नाइन आई एस फोर टू थ्री सिक्स वन नाइन नाइन थ्री और आई एस टू सेवन टू जीरो वन नाइन एट जीरो एंड द राइट आंसर इज़ आई एस फोर टू थ्री सिक्स वन नाइन नाइन थ्री विच वन इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ कावेरी निम्न में से कौन है जो कि कावेरी की सहायक नदी नहीं है हेमवती, सिमसा अर्कावती या भीमा एंड द राइट आंसर इज़ भीमा. CTE stands for, CTE का फुल फॉर्म क्या होता है चीफ ट्रैक इंजीनियर चीफ टो इंजीनियर चीफ टनल इंजीनियर या चीफ टिकट इंजीनियर एंड द राइट आंसर इज चीफ ट्रैक इंजीनियर प्लिंथ एरिया फॉर टाइप फोर क्वार्टर इज टाइप फोर क्वार्टरों के लिए प्लिंथ एरिया कितना होता है पचपन दशमलव पचहत्तर स्क्वायर मीटर एक सौ उनचालीस दशमलव पैंतीस स्क्वायर मीटर तिरासी दशमलव साठ स्क्वायर मीटर या पचासी दशमलव पचास स्क्वायर मीटर तो टाइप फोर क्वार्टरों का इनमें से अगर आप मैच करा करके कर देखें तो जो नजदीकी इसका जवाब है वो है एट्टी थ्री पॉइंट सिक्स बाकी आप यहां पर देख सकते हैं जो राइट साइड में चार्ट दिया हुआ है ये लेटेस्ट चार्ट है इन लेटेस्ट चार्ट के हिसाब से टाइप फोर क्वार्टर के जो मेन यूनिट हैं उनमें 86 मेन यूनिट के दिए हुए हैं और सर्वेंट क्वार्टर के लिए 17 यूनिट्स दिए हुए हैं तो कम से कम टाइफोर क्वार्टर में इतना होना चाहिए तो आप इसमें जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं उसकी बजाय आप बेटर है कि इस चार्ट को ध्यान रखें और इस चार्ट के हिसाब से आप बाकी यूनिट्स का जो एरिया है वो आप इसे अपने दिमाग में बनाकर के रखें तो ये आपके आगे के एग्जाम के लिए उतना ही उपयोगी होगा कंक्रीट मेनली कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है सीमेंट एग्रीगेट्स पानी या ये सभी और इसका सही जवाब है कि ये सभी हाउ मच इज द डेली वर्क आवर्स मैक्सिमम इंक्लूडिंग पीएनसी एंड वीकली रेस्ट इन द कंटीन्यूअस रोस्टर कंटीन्यूअस रोस्टर में किसी कर्मचारी से अधिकतम उसके कार्य के घंटे कितने होते हैं और साप्ताहिक विश्राम के घंटे कम से कम कितने होते हैं तो इसका जवाब है कि कंटीन्यूअस रोस्टर वाले से सप्ताह में अधिकतम 54 घंटे काम कराए जा सकते हैं तो 54 घंटे में अगर 6 दिन से डिवाइड किया जाए तो आती है नौ आवर्स और उसे कम से कम तीस घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए इस हिसाब से इसके ऑप्शंस सही हैं नाइन आवर्स एंड थर्टी सी आई जी विल होल्ड मीटिंग सीआईजी सदस्यों को सात दिन का नोटिस दे करके कितने महीने में एक बैठक आयोजित करेगी वंस इन टू मंथ्स वंस इन ए ईयर वंस इन थ्री मंथ्स और वंस इन मंथ और इसका सही जवाब है once in three months.